हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय ब्लॉग। बैठ जा ना, परेशान कर रहा है निक्स। देख, बहुत परेशान करता है। देखो उसको। तो आज के ब्लॉग में मैं बनाने जा रही हूँ स्ट्रीट फूड स्टाइल में पराठा, मिक्स चीज़ पराठा, जो बच्चे बहुत पसंद करते हैं। हमारे बच्चे तो बहुत पसंद करते हैं, आप बताइए अगर आपके बच्चे भी पसंद करते हैं। तो आज मैं वही बनाऊंगी, बिल्कुल बाज़ार के स्टाइल में। और अगर आपको पसंद आए तो आप प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ज़्यादा से ज़्यादा, और लाइक का बटन ज़रूर दबा देना। एक लाइक, आपको पता है कि यूट्यूब पे एक लाइक कितना महत्व रहता है, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए चैनल को, जिससे कि मैं मोटिवेशन हूँ और मोटिवेशन होने की वजह से आपके लिए अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाएँ, अच्छी अच्छी रेसिपियाँ बनाएँ, ब्लॉग बनाएँ। ट्रैवलिंग का भी अभी आने वाला है, क्योंकि अभी गर्मी ज़्यादा है तो, और अभी थोड़ी छुट्टियां वगैरह भी हुई नहीं है बच्चों की, तो इसी वजह से। तो चलिए बनाते हैं और दिखाती हूँ आपको कि हमें क्या क्या इसमें चाहिए होगा, पूरी रेसिपी आपको दिखाऊंगी। तो चलिए चलते हैं और बनाते हैं अपना मिक्स चीज़ पराठा। तो गाइस, चलिए आपको बताती हूँ हमें मिक्स वेजिटेबल चीज़ पराठा बनाने में क्या क्या सामान चाहिए होगा। ये हमने एक आलू ले लिया है, आधा पीस गोभी का है, 50 ग्राम पनीर है, चीज़ की स्लाइस है, आधी प्याज है, 2 से 3 हरी मिर्च है, थोड़ी सी कसूरी मेथी और कुछ सूखे मसाले। अभी इन सबको हम फाइनली चॉप करेंगे और उसके बाद इन सबको हम मिक्स करेंगे और उसके बाद हम अपना पराठा बनाएंगे। तो आपको दिखाती हूँ मैं अभी। तो गाइस, मैंने सब कुछ को ग्रेट कर लिया है, गोभी, आलू, पनीर, प्याज, हरी मिर्च और चीज़ वगैरह, नहीं चीज़ अभी हम बाद में डालेंगे, पहले हम इसमें सूखे मसाले डालेंगे, थोड़ी सी डालेंगे हम कसूरी मेथी टेस्ट के लिए, और इसके बाद हम डालेंगे अपने मसाले सूखे, नमक स्वाद अनुसार, धनिया पाउडर, मैं हाथ से डाल रही हूँ, आप चम्मच से डाल सकते हैं, 1/4, लाल मिर्च टेस्ट के अकॉर्डिंग, अगर आप तेज खाते हैं तो तेज डाल सकते हैं, हल्दी 1 से 2 चम्मच, सॉरी 1 से 2 पिंच, गरम मसाला टेस्ट अनुसार, धनिया पाउडर, और अब हम इसको मैश करेंगे। और ये हमने गेहूं का आटा ले लिया है, आप ये देख लीजिए, ये गेहूं का आटा है, हम गेहूं के आटे में बनाएंगे अपना मिक्स वेज चीज़ पराठा। तो आइए इसको मैश कर लेते हैं अच्छे तरीके से सब चीज़ों को। तो अब मैंने पूरा मसाले को अच्छी तरीके से सब कुछ मिक्स कर लिया है, तो आइए अपना पराठा हम तैयार करते हैं, मिक्स चीज़ पराठा मिक्स वेजिटेबल। आटा लेते हैं, पहले थोड़ा आटा आपको ज़्यादा लेना पड़ेगा क्योंकि आपको स्ट्रीट स्टाइल में बनाना है, तो इसलिए। तो चलिए इस तरीके से हम पहले आटे को थोड़ा सा बेलेंगे और अब हम इसके अंदर ये हमने जो मसाला बनाया हुआ है इसको इस तरीके से भरेंगे, अच्छी तरीके से स्टफ करेंगे, जो बाज़ार की तरह बनाया जाता है, आप देख सकते हैं। और इसमें अब हम डालेंगे चीज़, बच्चों को चीज़ बहुत पसंद है, तो ये मैंने चीज़ की स्लाइसेस लिए हैं, तो मैं 2 स्लाइसेस डाल रही हूँ, आप ज़्यादा डाल सकते हैं। और ऊपर से जाएगा थोड़ा सा सूखा आटा, जिससे कि ये हमारा जो पराठा है बेलते वक्त फटे नहीं। और अब हमें इस तरीके से इसको फोल्ड करना है, आप देख सकते हैं, और याद रखना आपको सूखा आटा डालना ज़रूरी है। ये देखिए इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे, और अब हम इसमें थोड़ा सा सूखा आटा लगा के इसको हम अच्छे तरीके से पहले हाथ से प्रेस करके हम चारों तरफ से फैलाएंगे और फिर हम बेलन से इसे बेलेंगे। ये आप देख सकते हैं हमारा पराठा बिल्कुल बेल चुका है, तैयार हो चुका है, अब हम इसको तवे पे डाल देंगे। आप इसको देसी
अब हम इसके चारों तरफ देसी घी डालेंगे। मैं देसी घी में बना रही हूँ, आप किसी भी ऑयल में बना सकते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं। और अब हम इसको पलटेंगे। अब हम इसके ऊपर पहले चारों तरफ देसी घी डालेंगे और उसके बाद ऊपर से देसी घी लगाएंगे अच्छी तरीके से, क्योंकि चीज़ है थोड़ी बहुत आपको पता है तवे पे चिपकती ही है, तो फ्लेम आप स्लो कर लीजिए। अब हम इधर भी घी लगाएंगे देसी घी। देसी घी लगाने से क्या है, हमारा पराठा जो है करारा बनेगा और एक बहुत ही अच्छा टेक्सचर आएगा। बाकी आप के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसमें कम से कम ऑयल डालें, ऑयल फ्री भी बना सकते हैं। देखिए आप देखिए किस तरीके से चीज़, देखिए कैसे मेल्ट हो रही है, ये देखिए आप देख सकते हैं हमारी चीज़ मेल्ट हो रही है। अब ये दूसरी तरफ से भी देखिए आप सीख चुका है हमारा पराठा अच्छी तरीके से। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। आपके पास कटर है तो कटर से करिए, अगर आपके पास चक्कू है तो आप चक्कू से कर सकते हैं। हम इसके चार पीस करेंगे। हमारा चीज वेजिटेबल चीज पराठा बिल्कुल तैयार हो चुका है और हमारी प्लेट भी लग चुकी है। हमने केचप लिया है, ये हमने केचप लिया है और इसके हम मैं आपको अलग अलग करके भी दिखा देती हूँ। बहुत गर्म है, आप इसे दही के साथ, सब्जी के साथ, किसी भी चीज़ के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगेगा, आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगा। ये देखिए, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, बिल्कुल करारा है। तो आपको रेसिपी पसंद आई हो तो आप प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर द वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।